कॉरपोरेट वर्ल्ड में हमेशा ये देखा जाता है कि अगर दो इक्वली क्वालिफाइड मैनेजर्स हैं, उनमें से किसी को चुनना है, प्रमोट करना है, तो हमेशा से जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो टीम प्लेयर है, उसको ही चुनते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि प्रोफेशनल स्किल्स किस में ज़्यादा है, बट ये देखते हैं कि उनका जो रिलेशन है, उनका जो डीलिंग होता है, या फिर उनका जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, कलीग्स के साथ कैसा है। ये इंटरपर्सनल स्किल बहुत डिपेंड करता है, फर्दर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल भी डिपेंड करता है। तो जो भी पर्सन, उनके पास ये अगर इंटरपर्सनल क्वालिटीज होते हैं, तो वो अपने करियर में एक्सेल करते हैं। तो ये जो सेशन में हम लोग कुछ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक या स्किल्स जो होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कस्टमर, सबॉर्डिनेट, सुपरवाइजर और को वर्कर्स के साथ कैसे मैनेज करना है, या फिर कैसे उनके साथ डील करना है। तो ये इधर कुछ टिप्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट कस्टमर्स। कस्टमर्स में क्या होता है, नॉर्मली आप अगर कोई रिलेशन मेंटेन करते हैं और उसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, तो दे विल कम बैक, फिर आपके वो कस्टमर ही रहते हैं। तो हर वक्त ये बोला जाता है कि डोंट मेक अ सेल, मेक अ कस्टमर। सो आप अगर कुछ गलत होता है, कुछ अगर सही नहीं जाता है, तो क्या वो आपके साथ वही रेपो मेंटेन करेंगे? तो आंसर इज येस, आप ये कर सकते हैं। कैसे? उसका मेन की पॉइंट होता है कम्युनिकेशन विद देम, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट आपको करना है, तो उनको कम्फर्ट फील करवाना होता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है कस्टमर डीलिंग में, कि आप पहले वो जो बोल रहे हैं उसको समझिए, और ये रिट्रेट कीजिए कि आप उनको समझ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज आप बोल सकते हैं कि कस्टमर को, यस आई कैन अंडरस्टैंड, आप करेक्ट हैं, या फिर आप राइट हैं, हमारा कुछ डिलीवरी में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये जल्दी डिलीवर हो जाएगा, आप इमिडिएटली कॉल करके या कुछ करके उसका एक्शन लेंगे। तो वो जब दिखता है तो कस्टमर देखते हैं कि आप कुछ उनके लिए कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, कस्टमर नीड्स फर्स्ट, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि कस्टमर को अभी कुछ डिलीवरी चाहिए सपोज, तो आप उनको, उनके लिए प्रपोजल अलग रख सकते हैं कि सर आज तो नहीं होगा, लेकिन मैं इसको इमिडिएटली टाइम लगता पर इस टाइम में आपको डिलीवर करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा होता है प्रेजेंट द प्रोस एंड कॉन्स, क्या उसका सही है या फिर क्या उसका गलत है, वो उनको समझाना पड़ेगा। सपोज आप वो चीज़ डिलीवरी नहीं कर रहे हैं और डेडलाइन आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, इस वीक और नेक्स्ट वीक नहीं होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये डेडलाइन तो आप मीट कर लेंगे अगर ये डिलीवर हो गया तो, बट कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट वीक डिलीवरी देने से कुछ ज़्यादा आपको क्वालिटी मिल जाएगा, बेटर प्रॉपर मिलेगा, और आपको उतना टाइमलाइन का, जो डेडलाइन का इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा, एक वीक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे वो समझेंगे। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे ये चीज़, तो वो नहीं समझ पाएंगे। कस्टमर्स के बाद दूसरा आता है सबॉर्डिनेट, आपके अंडर या फिर आपके साथ जो काम कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको असर्टिव बनना पड़ेगा। असर्टिव का मतलब उनको, उनके फीलिंग्स को कुचल देना नहीं होता है, उनको जो डिसरिगार्ड नहीं करना है, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं कुचलना है। इसमें आप ऑनेस्टली, रेस्पेक्टफुली कुछ काम करा सकते हैं, बी ऑनेस्ट विद देम। तो फर्स्ट पॉइंट इस पे आता है एक्सप्लेन द रीज़न। रीज़न एक्सप्लेन कैसे करेंगे? टीम मेंबर्स को आप समझाइए कि आप जो करना चाहते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं, इसका क्या कॉज है, क्या रीज़न है, और आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट ये करने से पहुंचा सकते हैं। तो एक्सप्लेन द रीज़न। सेकेंड है बी ओपन टू अदर पीपल्स सजेशन, उनका सजेशन से कुछ अगर कुछ बेटर आइडिया है तो उनसे भी आप सजेशन मांग सकते हैं कुछ अगर कराना है तो। तीसरा है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर डिसीजंस। उसमें क्या होता है कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कुछ डिसीजन देके, तो आपको फॉलो कैसे करेंगे, आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। थर्ड में आते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो आप जिनको शायद रिपोर्ट करते हैं, या फिर आपके सीनियर्स होते हैं, या फिर आपका रिपोर्टिंग मेनली जिनको होता है, तो आप उनके बारे में कुछ जानना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करना प्रीफर करते हैं। तो फर्स्ट एक केस हो सकता है कि आपके जो सुपरवाइजर हैं
या मैनेजर हैं वो एक विजुअल पर्सन हो सकते हैं, तो उनको ग्राफ देखना, पिक्चर या वीडियोस में कुछ मैसेज पहुंचाना उनके लिए बेटर होता है। अगर वो ऑडिटरी सुपरवाइजर है, मतलब उनको सुनना ज़्यादा पसंद है, तो फेस टू फेस मीटिंग या में आप अपना मैसेज कन्वे कीजिए या फिर फ़ोन कॉल में आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और जो वो फील ले लेते हैं सिचुएशन का, वो अगर सुपरवाइजर आपके हैं, इन दैट केस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो सकता है और एक प्रोडक्ट टेस्टिंग या फिर साइट विजिट प्रैक्टिकल जो है उनको ये चीज़ अगर मैसेज आप प्रैक्टिकली कन्वे करें तो आप उनसे बढ़िया डीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोवर्कर्स, आपके साथ जो काम करते हैं, तो अगर आप अपने कोवर्कर्स को हेल्प कर सकते हैं तो आप अपना डिजायर्ड असाइनमेंट जो लेना होता है या फिर जो शेयर करना होता है टीम वर्क आप कर सकते हैं, ये टू हेल्प देम। देन आप कुछ इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल्स जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल दो तरह के हो सकते हैं, एक पुश टाइप जो धकेलना बोल सकते हैं और एक होता है पुश टाइप जो कि खींचना बोल सकते हैं, मतलब आकर्षित करना। पुश टाइल में दो चीज़ है, पहला चीज़ है कि यूज लॉजिक। आप पहले क्या कीजिएगा कि जो लूफॉल्स या कुछ डिस्कशन में या आर्गूमेंट में आ रहा है तो लूफॉल्स को आइडेंटिफाई करके आप एक काउंटर प्रपोजल दे सकते हैं। और सेकंड है कैरेट एंड स्टिक टेक्निक। कैरेट एंड स्टिक टेक्निक में क्या होता है, एक डंडे में सपोज कैरेट लगाया और एक रिवॉर्ड का आप उनको आशा दे सकते हैं कि इससे ये करने से ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और हो सकता है कि आपको उसका थ्रेट भी उनको एहसास कराना है कि ये नहीं करने से ये कॉन्सिक्वेंसेस भी रहता है। तो ये होता है पुश स्टाइल में कैरेट एंड स्टिक। देन पुल स्टाइल, पुल स्टाइल में होता है कंसल्टिव। कंसल्टिव क्या होता है कि आपके टीम मेंबर जो कि कैपेबल है, जो कि आइडिया ऑफर कर सकते हैं, उनके सामने एक बिग पिक्चर्स लाइक वैल्यूज, मिशन, लाइफ गोल्स ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंसल्टेटिव होता है। देन होता है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, एम्प्लॉयज नॉर्मली वो क्या वैल्यू करते हैं, वो पर्सनली या प्रोफेशनली दोनों मोड पे ग्रो करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयज जो कि ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैलेंज लेते हैं उनमें वो उनको एनकरेज करना है कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करें। तो आप कैसे बिगिन कर सकते हैं कि कैरियर गोल्स को आइडेंटिफाई करके एजुकेशन और ट्रेनिंग पे फोकस करना है, उससे क्या होता है उनका जो स्ट्रेंथ बिल्ड होता है और वीकनेस जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ तरीके थे आप कैसे डील करेंगे पीपल मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें आते हैं कस्टमर्स, सबॉर्डिनेट, कोवर्कर्स, सुपरवाइजर। तो होप आपके लिए सेशन फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू सर।